गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट द टॉपिक कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या है? एसेंशियल कंपोनेंट है कहता हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। ये एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें क्या है, हमारे स्टोर होते हैं प्रोग्राम और डाटा, जो कहता हमारा सीपीयू को रिक्वायर्ड होते हैं, कहते हैं जब भी वो प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। तो उसने क्या है, वहाँ से स्टोरेज मेमोरी से क्या आया, अपना जो इंस्ट्रक्शंस है वो पिक करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो कहता आफ्टर प्रोसेसिंग भी जो रिज़ल्ट आता है वो भी कहाँ पे स्टोर होता है, मेमोरी में स्टोर होता है। तो कहते ये स्टोरेज कहता अनेबल करता है अस टू यूज़ द स्टोर डाटा इन फ्यूचर। जो इस डिवाइस में डाटा स्टोर होगा, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस में, तो वो क्या है, हम डाटा को फ्यूचर पर्पस में कभी भी रिट्राइव कर सकते हैं। तो हमारी कंप्यूटर मेमोरी की दो टाइप्स है, फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी, सेकंड है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास रैम और रोम आती है, सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी एंड डीवीडी एंड लास्ट पेन ड्राइव। सो वी स्टार्ट विद प्राइमरी मेमोरी। फर्स्टली ये है कंप्यूटर मेमोरी को कहता दो मेमोरीज, अभी हमने बात की है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी को मैग्नेटिक मेमोरी भी कहा जाता है। तो कहते हैं जो हमारी कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी है उसको हम किस में मेजर करते हैं, तो कहता है उसको मेजर करते हैं बाइट्स में। तो कहता वन बाइट कहता इंक्लूड्स टोटल 8 इंडिविजुअल यूनिट्स कॉल्ड ए बिट। एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। एक बाइट में कितनी बिट्स होंगी, 8 बिट्स होंगी। बिट क्या है, कहता है 0 और 1 होगी। एक बिट है मीन्स या तो वो 0 होगी या वो 1 होगी। तो यहाँ पे हमारे एक स्टोरेज चार्ट दिया हुआ है, कैपेसिटी चार्ट दिया हुआ है। तो बाइट कहता है किसके इक्वल होगी, बाइट का सिंबल बी है, 8 बिट्स होंगी, किलो बाइट के बी है, इसमें 1024 बाइट्स होंगी। मेगा बाइट है, एम बी से डिनोट करते हैं इसको, 1024 क्या हो गए, किलो बाइट्स होंगे। गीगाबाइट को किससे डिनोट करते हैं, जीबी से करते हैं, 1024 इतने होंगे, मेगाबाइट्स होंगे, ठीक है। तो ये टेबल है जो आपने याद करना है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्राइमरी मेमोरी। तो कहता है प्राइमरी मेमोरी क्या है, मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर होती है, जिसमें क्या है प्रोग्राम और डाटा स्टोर होते हैं, जो क्या है करंटली कंप्यूटर को चाहिए होते हैं प्रोसेसिंग के ड्यूरिंग। तो कहते हैं साइज ऑफ जो मेन मेमोरी है वो क्या है, स्मॉलर होता है। कहता है एज़ कम्पेयर टू कहता है सेकेंडरी मेमोरी, कहता है क्योंकि जो हमारी मेन मेमोरी है वो क्या है, हाई कॉस्ट की होती है। तो कहता है सीपीयू किसके साथ कॉन्टैक्ट करता है, डायरेक्टली कहता है मेन मेमोरी के साथ सिर्फ कॉन्टैक्ट करता है, उसे जो भी इंस्ट्रक्शन चाहिए या डाटा चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए वो कहाँ से लेता है, डायरेक्टली कहता मेन मेमोरी से लेता है। तो सीपीयू कहता है वर्क करता है बहुत ही हाई स्पीड पे, इट्स मशीन मेमोरी मस्ट बी वेरी फास्ट। कहता है इसकी जो मैचिंग मेमोरी है वो बहुत फास्ट है, कहता है हाई स्पीड से काम करता है। तो कहता है ओनली जो प्राइमरी मेमोरी डिवाइस ही है वही इसकी कहता है मैच करती है इसकी स्पीड के साथ, क्या है वहाँ से डाटा पिक करता है और इसकी जो कंप्यूटर की स्पीड है, सीपीयू की स्पीड है, उसके साथ मैच होता है। तो रैम और रोम कहता दो मेन यूनिट्स हैं मेमोरी के, कहता टू टाइप्स हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम रीड ओनली मेमोरी। तो कहता है टू टाइप्स है प्राइमरी मेमोरी की। ये हमारे पास क्या है, रैम की फ़ोटो भी आपको दिखाई गई है, ठीक है। ये रैम है हमारी जो ग्रीन वाली आपको शो हो रही है, इसके ऊपर आपको रोम दिखाई गई है, ठीक है। पी रोम है, ई रोम है, ई पी रोम है। तो ये क्या है, आगे रोम्स की टाइप्स हैं, उनको भी शो किया गया है किस तरह की मेमोरी है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी इज़ मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर है कहता। अब इसमें हमने देखो ये रैम रोम थी, रैम में हमारे पास डी रैम एंड एस रैम आती है, रोम के अंदर हमारे पास क्या आती हैं, पी रोम, ई रोम, ई पी रोम, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक मेमोरी है या ऑप्टिकल मेमोरी है। मैग्नेटिक मेमोरी में हमारे पास क्या है, फ्लॉपी डिस्क आती है, ऑप्टिकल में हमारे पास सी डी एंड डी वी डीज हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो कहता है रैम में जो हमारी वो क्या है, उसको हम मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। कहता है दिस इज़ रियली ए मेन स्टोर, इज़ दी प्लेस वेयर प्रोग्राम सेट गेट्स स्टोर टेम्परेरी। तो कहते हैं ये हमारा क्या है, मेन स्टोरेज है, यहाँ पे हमारे क्या है जो
प्रोग्राम है वो टेम्परेरी स्टोर होते हैं। जब भी सीपीयू रन करता है प्रोग्राम तो वो सारी इंस्ट्रक्शन कहाँ से फेच करता है, रैम से करता है, देन उनको क्या है इंस्ट्रक्शन को कहता है कैरी आउट करता है। तो कहते हैं जब भी इसको रिजल्ट स्टोर करने की भी ज़रूरत पड़ती है कैलकुलेशन करने के बाद, वो भी कहते हैं रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होते हैं, रैम में होते हैं। कहते हैं जब हम क्या है स्विच ऑफ कर देते हैं कंप्यूटर को तो सारा डाटा हमारा क्या है इरेज हो जाता है, क्योंकि वो टेम्परेरी स्टोर होता है वहाँ पे, ठीक है। तो कहते हैं इसको वोलेटाइल फॉर्म ऑफ मेमोरी भी कहा जाता है। अब हमारे पास है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसको डी रैम कहा जाता है। कहता है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेमोरी चिप है। तो कहता है मोस्टली कहता है यूज्ड एज ए मेन मेमोरी सिंस इट्स स्मॉल एंड चीप। कहता है इसको हम मेन मेमोरी के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये स्मॉल है चीप है। कहते हैं इसमें क्या लगे हुए हैं, यूज ट्रांजिस्टर किए गए हैं, कैपेसिटर्स किए गए हैं। तो कहता है ट्रांजिस्टर्स को कैसे अरेंज किया हुआ है, मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम की फॉर्म में अरेंज किया हुआ है। कहता है कैपेसिटर क्या होल्ड करते हैं, बिट, जो बिट है अभी हमने बात की, बिट ऑफ इंफॉर्मेशन जीरो और वन में स्टोर करते हैं। तो कहते हैं ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर आर पेयर टू मेक ए मेमोरी सेल। दोनों से मिलके दोनों का पेयर बन के क्या बनता है, एक मेमोरी सेल क्रिएट होता है। तो ट्रांजिस्टर एक्ट क्या करते हैं, स्विच लेट द कंट्रोल ऑफ सर्किट ऑन द मेमोरी चिप, रीड द कैपेसिटर और चेंज इट्स स्टेट। तो ट्रांजिस्टर क्या काम करते हैं, कहता एज ए स्विच का काम करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है, मेमोरी चिप में जो रीड किया जाना है कैपेसिटर से कि उसकी स्टेट क्या है, ज़ीरो है या वन है, तो ट्रांजिस्टर कंट्रोल करते हैं। डी रैम कहता है मस्ट बी रिफ्रेशेबल कॉन्टीन्यू स्टोर डाटा। कहता है जो भी डाटा यहाँ पे स्टोर होता है वो कॉन्टीन्यूसली क्या हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। मेमोरी जो कंट्रोलर कहता है इसके लिए यूज़ होता है। मेमोरी कंट्रोलर क्या है, कहता है रिचार्ज करता है ऑल दी कैपेसिटर को होल्डिंग वन बिफोर दे डिस्चार्ज। कहता है उनको क्या है, होल्ड क्या करता है, वन करता है जब जो वो डिस्चार्ज होते हैं। तो कंट्रोलर कहता है रीड करता है मेमोरी को, देन कहता है राइट इट बैक, कहता है फिर वापस से वो क्या है रिफ्रेश करता रहता है। तो कहता है डी रैम है गेट्स इट्स नेम फ्रॉम रिफ्रेश ऑपरेशन। तो हर इंफॉर्मेशन कहता जो भी स्टोर थी इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो क्या है कहता है जब उसके ऊपर प्रोसेसिंग डन हो जाती है तो इट विल बी लॉस्ट, जो भी उसके अंदर हमारी मेमोरी में था वो लॉस्ट हो जाता है। तो रिफ्रेश ऑपरेशन कहता है ऑटोमेटिकली कहता है थाउजेंड ऑफ टाइम्स रन होता है पर सेकंड में। तो कहता ये जो डी रैम है ये स्लो है बिकॉज कहता है रिफ्रेशिंग में ही टाइम निकल जाता है। तो कहता है इसकी जो असेस स्पीड है वो क्या है 50 to 150 नैनो सेकेंड्स है। नेक्स्ट है हमारे पास एस रैम, स्टैटिक रैम, इसको क्या कहते हैं, स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो कहते हैं इसमें क्या है, मल्टी ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए हैं। कहता है 4 to 6 ट्रांजिस्टर है ईच मेमोरी सेल में। मेमोरी सेल कैसे बनता है, कहता है कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो कहते हैं एस रैम कहते हैं सेल कहता है मोर पार्ट्स होंगे। कहता है इट टेक मोर स्पेस ऑन चिप दैन दी डी रैम, इसकी मेमोरी जो स्पेस ज़्यादा है। कहता है डोंट नीड कॉन्स्टेंट रिफ्रेशिंग। कहता है ये क्या है, फास्टर है, इसमें कहता रिफ्रेशिंग नहीं करनी पड़ती बार बार, ठीक है, उसमें क्या है हमें रिफ्रेशिंग करनी पड़ती है जिसकी वजह से वो क्या है कहता काम बहुत स्लोली करता है। ये क्या है, फास्टर है। कहता है ये एक्सपेंसिव भी है। कहता है इसके पास मोर स्पेस है, ज़्यादा टाइम कहता है ये इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है जब तक क्या है सप्लायर है जो पावर ऑफ नहीं हो जाती। पावर जब तक सप्लाई ऑफ नहीं होती तब तक सारा डाटा स्टोर रहेगा। कहता है एस रैम को कहता है ईजी है असेस करना, ठीक है। तो कहता है वेरी फास्ट है। कहते हैं इसकी रेंज क्या है, कहता है फ्रॉम 2 to 10 नैनो सेकेंड्स है। हाँ जी, थैंक यू।